हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 18 अप्रैल 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले देखते हैं आज की हमारे कुछ क्वेश्चंस, फिर देखते हैं आज की हमारी न्यूज़। पहला जो क्वेश्चन है वो है वर्ली पेंटिंग को लेके हैं। आपके सामने यहाँ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो मुराल पेंटिंग है वो बेसिकली भीम बेतका केव के अंदर रॉक शेल्टर में बनाई गई है। मतलब भीम बेतका के अंदर जो रॉक शेल्टर है वहाँ पे इनको बनाया गया है वर्ली पेंटिंग को, जो कि एक मुराल पेंटिंग है। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि वर्ली पेंटिंग में सर्किल, ट्रेंगल, स्क्वायर है, इस तरीके की शेप की पेंटिंग है वो बनाई गई है। अब हमें पूछा है कि कौन सा सही है। तो देखो, इसका सही जो आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा सी। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखो, जो भीम बेतका केव है वहाँ पे जो रॉक शेल्टर है, आप बोलते गुफा बनी हुई है, गुफा एक तरह से गुफा के अंदर जो पेंटिंग हुई है वो वर्ली पेंटिंग ही है, जो कि एक मुराल पेंटिंग है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये आपको ध्यान रखना, वर्ली पेंटिंग मैंने कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। इसमें सर्किल, ट्रायंगलर, जैसे कि ज्यामिति संरचना है, इनकी पेंटिंग भी की गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें हमें पेयर दिए गए हैं और हमें पूछा कि कौन सा करेक्ट इमेज है वो बताना है। यहाँ पे था, पहला दिया गया आपके सामने कि डेजर्ट नेशनल पार्क दिया गया राजस्थान, दूसरा दिया गया यहाँ पे रोलपाड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिया गया तेलंगाना, तीसरा दिया गया करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो दिया गया गुजरात। अब आपको पूछा कि कौन सा करेक्टली मैच है यहाँ पे, तो एक बार आप देखिए कि कौन सा इसमें से करेक्टली सही मैच है वो है। पहले बात तो ये देखिए कि ये तीनों न्यूज में भी थे। क्यों न्यूज में थे? देखो, ये थे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए न्यूज में। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसकी संख्या इंडिया के अंदर 150 के आसपास है वो भी देखी गई है, जो कि मेनली राजस्थान में पाया जाता है। इसके अलावा जो डेजर्ट वाले एरिया है वहाँ पे भी है, पाया जाता है। और कहाँ कहाँ पे है? डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है, रोलपाड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आंध्र प्रदेश में है, ना कि तेलंगाना में। तो इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश होगा। और जो करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये गुजरात में नहीं है, मध्य प्रदेश में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तीनों जो एरिया हैं, ग्रेजर्ट नेशनल पार्क हुआ, रोलपाड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ, इसी के साथ ही करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसकी ब्रीडिंग के लिए हैं। तो अभी ये न्यूज़ में, क्योंकि इन एरिया में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो नॉर्मली पाया जाता है। आप ये बताइए कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये आयुषन की कौन सी लिस्ट में होगा? संख्या जैसे मैंने आपको बता दी कि 150 से भी कम है, तो आपको बताना है कि ये आयुषन की कौन सी लिस्ट में है, ये आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है वो है लेजी बैंकिंग को लेके। देखो, लेजी बैंकिंग आपने न्यूज़ में देखा होगा काफ़ी बार, नहीं देखा तो अब यहाँ पे देख लो। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो देखो, मैं आपको बता ही देता हूँ कि लेजी बैंकिंग होती क्या है। देखो, लेजी का मतलब आप एक तरीके से समझो कि आलसी, एक तरीके से एग्जाम्पल लो बेसिक सा कि आलसी बैंकिंग मतलब जो भी इन्वेस्टर वो काफ़ी आलसी है, वो ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहा है जहाँ से सेफ्टी भी हो बट ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो ऐसा काम कहाँ पे होगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। क्यों? क्योंकि बैंक उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको पता है कि अगर कोई भी पर्सन हो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेफ है वो। जैसे गवर्नमेंट उसे इंटरेस्ट कम देगी बट फिर भी वो सेफ है कि भाई अपना पैसा कहीं नहीं जाएगा। अगर कुछ हो भी गया बैंक को तो गवर्नमेंट हमारे लिए जिम्मेदार है, तो गवर्नमेंट हमें पैसे देगी। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे सी होगा कि बैंक है वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करते हैं कहाँ पे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। वो होती है लेजी बैंकिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पीएसी यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को लेकर। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि इसके जो मेंबर होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के, वो बेसिकली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से, सिंगल ट्रांसपेरेंट जो वोट मेथड होता है उससे इलेक्ट किए जाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि पीएसी के जो मेंबर होते हैं वो केवल लोकसभा से सिलेक्ट किए जाते हैं ओनली। और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि मिनिस्टर हैं वो इसके मेंबर के तौर पर इलेक्ट नहीं हो सकते इस कमेटी में, मतलब कोई भी जो मंत्री है वो इस कमेटी का मेंबर है वो नहीं बन सकता। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? पहला है आपके सामने ओनली टू, दूसरा है एक और तीन, तीसरा है एक और तीन, सॉरी एक और दो, चौथा है यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। थोड़ी ये मिस्टेक हो गई है। अब आप बताना कि कौन सा इसमें करेक्ट है। तो देखो, आपको पता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है इसमें 15 मेंबर होते हैं, वो कहाँ से होते हैं? वो तो होते हैं लोकसभा से। 7 मेंबर कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से। तो सेकंड स्टेटमेंट तो साफ साफ गलत हो गया और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। और कोई भी मंत्री होता है वो इस कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता। और पहला स्टेटमेंट भी सही है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो सिस्टम होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उस मेथड से जिसके मेंबर को इलेक्ट है वो किया जाता है। अब देखते हैं आज के आर्टिकल। आज के जो पहली न्यूज आई है वही है मेरियाना ट्रेंच को लेके।
तो पहले मेरिना ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हमें आगे देखेंगे कि कंटेक्स्ट क्या था। देखो ये जापान के ईस्ट वाला एरिया आपको दिख रहा होगा मेनली, यहाँ पे मतलब प्रशांत महासागर ये जो एरिया, यहाँ पे फिलीपींस हो गया, यहाँ पे पापुआ न्यू गिनिया कंट्री होगी। तो यहाँ पे जो आप एक आर्क शेप की दिख रही है ना, यहाँ पे जैसे कि क्रिसेंट टाइप की शेप, ये है मेरिना ट्रेंच, जो कि लगभग 2550 किलोमीटर लंबा है, ऐसे इसकी लंबाई है, और लगभग 69 या 70 किलोमीटर के आसपास की वेथ है। मेरिना ट्रेंच के बारे में जैसे हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि विश्व का सबसे गहरा गड्ढा या गर्त है, ये ट्रेंच है कहाँ पे, पैसिफिक ओशियन में है। लोकेशन हमने इसकी देख ली है कि कौन सी कंट्री के पास, यहीं पे देखो पास में मेरिना आइलैंड भी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मेरिना आइलैंड के ईस्ट के अंदर इनकी लोकेशन, मतलब यहाँ पे आइलैंड है और इस केस में मेरिना ट्रेंच है, ये हमने देख लिया। वर्ल्ड का डीपेस्ट नेचुरल ट्रेंच है, मतलब सबसे गहरा प्राकृतिक गड्ढा है ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी जो गहराई है वो है लगभग 10,994, यानी कि लगभग हम बोल सकते हैं कि 11 किलोमीटर गहरा यह गड्ढा है, जो कि ऑब्वियसली आपको पता है कि हम बात करें माउंट एवरेस्ट से भी काफी गहरा है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब इसका जो जो ये मेरिना ट्रेंच है ना, इसका एक पॉइंट है जो कि सबसे गहरा है, जिसका नाम है चैलेंजर डीप। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका सबसे गहरा, यूपीएससी इसका पूछ सकते हैं कि चैलेंजर डीप कहाँ पे है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मेरिना ट्रेंच में जो सबसे गहरा हिस्सा है उसको चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कंटेक्स्ट की तरफ, लोकेशन तो हमने इसके बारे में देख ली। कंटेक्स्ट ये है कि मेरिना ट्रेंच में अभी साइंटिस्ट ने एक बैक्टीरिया को डिस्कवर किया है जो है ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया, मतलब ये जो बैक्टीरिया है ना, ये ऑयल को जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको खा के उसको पचा लेते हैं, तो ये हमारे लिए काफी हेल्प हो सकते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि थोड़े बहुत ही पाए गए हैं, काफी भारी मात्रा में ये बैक्टीरिया वहां पे पाया गया है। तो ये तरीके से ये ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया ही हमारे काफी कुछ काम आ सकते हैं। कैसे, कई बार आपने देखो देखा होगा कि समुद्र में ऑयल स्पिलिंग हो जाती है, तो पूरी जो समुद्र की सरफेस होती है उस पर तेल हो जाता है। अब देखो उसके काफी सारे डिसएडवांटेज होते हैं, अगर सबसे बड़ा नुकसान की हम बात करें तो क्लाइमेट के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसी के साथ ही जो जैसे मान लो कि यहाँ पे तेल फैल गया ओशन की सरफेस पे, तो इसके नीचे जो भी जलीय जीव जंतु हैं उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, उनको ढंग से सनलाइट भी नहीं मिल पाती है। और इसी के साथ ही इस वाले एरिया में से कोई भी टर्टल वगैरह हो, ये मान लो कि सरफेस की तरफ ऊपर आने की कोशिश करेगा, तो जो ऑयल वगैरह है, जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, वो उसकी सरफेस के कुछ रिएक्शन कर सकते हैं, या फिर उनकी बॉडी में मतलब माउथ वगैरह के थ्रू भी जा सकते हैं, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम है वो हो सकती हैं ऑयल स्पिलिंग के थ्रू। तो उनसे निजात दिलाने में हेल्प होगा, क्यों, क्योंकि ये मानो कि जहां पे भी ऑयल स्पिलिंग हुई है उस एरिया में अगर इस बैक्टीरिया को, ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया को फैला दिया जाएगा, तो ये जो बैक्टीरिया ये ऑयल को खा के मतलब उसमें जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको डिकम्पोज है वो कर देगा, तो इससे काफी हेल्प है वो हमें मिल सकती है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसका यही है। अब आपको पता भी है कि जो ऑयल होता है समुद्र में, जो पेट्रोल या हाइड्रोकार्बन की हम बात करें, उसमें मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन ही होते हैं, और ये दोनों काफी खतरनाक होते हैं जलीय जीव जंतुओं के लिए। आम लोगों की बात यहाँ पे कर सकते हैं। तो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में मेनली हाइड्रोकार्बन ही होता है, और उनको डिकम्पोज करने के लिए ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया काफी हेल्पफुल हमारे लिए हो सकते हैं। तो अभी यह न्यूज है वो काफी हमारे लिए हेल्पफुल है हो सकती है, तो इसी को लेकर आर्टिकल आया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है संग्रीला डायलॉग को लेके। पहला आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई संग्रीला डायलॉग है किस लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है मेनली इंडो पैसिफिक रीजन के लिए है, एशिया और पैसिफिक वाला रीजन है उसके लिए। इसमें लगभग 28 कंट्रीज हैं जो क्या करती हैं, मेरीटाइम सिक्योरिटी और इसी के साथ ही और भी तरह की बात, डिफेंस सिक्योरिटी हो, इस पर फोकस किया जाता है। मतलब ये एक एनुअल डायलॉग है वैसे तो, इसमें डिफेंस मिनिस्टर और जो मिलिट्री के चीफ होते हैं ना, लगभग 28 कंट्रीज हैं इसमें, वो आपस में बातचीत करती हैं सिक्योरिटी को लेके, किस तरीके से हमें सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, कौन कौन से खतरे हैं वगैरह वगैरह बातें यहाँ पे की जाती हैं। और संग्रीला डायलॉग की स्टार्टिंग हुई थी सिंगापुर में, सिंगापुर में एक होटल है जिसका नाम है संग्रीला, वहाँ पे बातचीत स्टार्ट हुई थी सबसे पहले, तो उसी से इसका डायलॉग का नाम रख दिया गया संग्रीला डायलॉग। और वैसे जो ये डायलॉग है लॉन्च किया गया था 2002 में, ब्रिटिश एक थिंक टैंक है जिसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी एंड सॉरी स्ट्रेटेजिक स्टडीज, हाँ, जो कि सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ कोलेब्रेशन में किया गया था, तो इसीलिए सिंगरिला डायलॉग का दूसरा नाम IISS, यानी कि मैंने आपको बता दिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, तो यह हमें ध्यान में रखना है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है आसाम राइफल को लेके। देखो इसको लेके भी एक्चुअली काफी विवाद चल रहा है, एक पेटिशन करता ने इसको लेके पेटिशन डाली थी आसाम राइफल को लेके। तो पहले हम देखते हैं कि आसाम राइफल के बारे में कुछ फैक्ट और फिर हम देखते हैं कंटेक्स्ट। देखो आसाम राइफल है ना,
ये मेनली आसाम के एरिया में इसको डिप्लो किया गया है। अब ये ध्यान रखना केवल आसाम में डिप्लो नहीं किया गया है, मतलब नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये इंडिया की एक ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। अब पैरामिलिट्री फोर्स के नाम से आपके दिमाग में क्या आया कि पैरामिलिट्री फोर्स है वो तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। जी हाँ बिल्कुल सही, बट इसमें थोड़ा सा लोचा है। क्या है वो लोचा, वो हम देखते हैं कि जो आसाम राइफल है जो पैरामिलिट्री फोर्स है ना, ये वैसे इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सारा काम है, मतलब जो प्रशासन का सारा काम है वो तो आता है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, और बाकी इसको जो गवर्न करने का है, फिर जो भी ऑपरेशनल कंट्रोल है कि कहाँ इसको डिप्लो करना है वगैरह, किस तरीके से वो सारा काम है ऑपरेशनल काम, वो सारा काम होता है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इसीलिए कई बार काफी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और इसीलिए एक पिटिशन कर्ता ने पिटिशन डाली थी कि भाई या तो इसको, मतलब इसका सारा ऑपरेशन वगैरह है वो आप होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत रखो, या फिर आप इसको डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर पुट है वो कर दो। तो यह कुछ फैक्ट ध्यान में रखना, यूपीएससी में भी पूछ सकती है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो तो है होम मिनिस्ट्री में, और बाकी बात करने के ऑपरेशनल काम है वो करती है डिफेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है सिदमुख एंड नोहर प्रोजेक्ट। क्या है यह प्रोजेक्ट वो हम देखते हैं, कौन से स्टेट को उसको बेनिफिट होने वाला है। देखो इसका दूसरा नाम है वो है राजीव गांधी नोहर परियोजना। ये आपको बता दूं इसका मेन मोटो यह है कि रावी और जो व्यास नदी है, रावी व्यास या ब्यास नदी, इन दोनों नदियों का जो सरप्लस पानी है ना वो एक्चुअली भाखड़ा नांगल जो कि नदी है, या भाखड़ा नांगल सॉरी जो केनाल है, इसके थ्रू राजस्थान में पहुंचाया जा सके, और राजस्थान के कुछ जो जिले हैं इनको बेनिफिट होगा। यह है इसका मेन मोटो। तो यह ध्यान रखना, यूपीएससी पूछ सकती है कि सिद्धमुख एंड नोहर प्रोजेक्ट है वो कौन से स्टेट के लिए, तो हमें ध्यान रखना है कि ये राजस्थान के अंदर रावी और व्यास का सरप्लस पानी है उसके पार्टीशन को लेके है, बस ये भी मेन मुद्दा है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वह है केसिनी मिशन को लेके। देखो केसिनी मिशन है ना, ये 1997 में लॉन्च किया गया था। किस किस का मिशन है ये? नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी। ये तो हमने देखा। अभी कंटेक्स्ट वैसे ये था कि जो सेचन यानी जो शनि ग्रह है ना, इसका एक मून है सबसे बड़ा मून जिसका नाम है टाइटन। तो ये इफेक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो जो सेचन का जो मून है टाइटन, इसके ऊपर भी एक सबसे गहरी लेक है वो डिस्कवर की गई थी इस मिशन के थ्रू। तो हम देख लेते हैं केसी मिशन का एक फैक्ट, और एक फैक्ट यह है कि केसिनी मिशन है ना, ये बेसिकली शनि ग्रह की स्टडी के लिए भेजा गया था, और शनि की जो ऑर्बिट, यानी हम बात करेंगे सैटर्न की जो ऑर्बिट है, इसके अंदर ये पहली बार इसने प्रवेश किया। बाकी ये ध्यान रखना कि ये पहली ऐसी प्रोब नहीं है जो सैटर्न के ऊपर गई थी स्टडी करने के लिए, नहीं, इससे पहले 3 प्रोब भेजी जा चुकी थी जो कि सैटर्न की स्टडी करने वाली थी। बट पहली किस मामले में, कि उसकी अर्थ के जो जो उसकी ऑर्बिट होती है, जो उसकी कक्षा होती है, जैसे मान लो कि ये ग्रह है, इसकी जो ये कक्षा होगी, इस कक्षा के अंदर एंट्री करने वाला ये पहला था। बाकी जो और प्रोब थी ना, 3 पहले भेजी गई हैं, वो तो बाहर से स्टडी करके इधर से बस ठीक है वापस, मतलब लौट गया वहीं पर खत्म हो गई। तो ये ध्यान रखना है केसिनी मिशन के बारे में फैक्ट। तो देखो ये थी आज की हमारी न्यूज़। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।